तो उसी हिसाब से हमारी मार्केट में काम करा पांच स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिए थे जिसमें से जी इंटरटेनमेंट कौन कौन को कोटक बैंक इन्फोसिस और टाटा स्टील था जिसमें से जी इंटरटेनमेंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया और पर्टिकुलर ये चार स्टॉक्स के टारगेट हिट हो गए थे ऊपर के चार सेल साइड में थे जिनके तीन के टारगेट हिट हो गए थे और नीचे एक टाटा स्टील बाय था जो गिरती मार्केट में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देकर चला गया था अब हम बात करते हैं अपने कल मार्केट की तरफ कि कल कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है सो so, उसकी तरफ बढ़ेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से नया अप्रोच लेकर चलना है सो so, गाइस उससे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी है सो so, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक नया सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाइव होगा मार्केट में हाँ गाइस ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं इसकी वीडियो अपलोड होने वाली है हो गई है और इसका स्केड्यूल डाल दिया है तो यानी कि कल सुबह बारह बजे दोपहर बारह बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी जैसा आप यहाँ देख सकते हैं लाइव मार्केट ट्रेनिंग सेशन जी गाइस लाइव मार्केट ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा कौन से ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा लाइव मार्केट ट्रेड्स होंगे आपको पैटर्न्स के बारे में सिखाया जाएगा फ्लैग एंड पोल पीन एंड पैटर्न मेजर्ड मूव पैटर्न ये तीन पैटर्न्स के बारे में सिखाया जाएगा ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे हमें बचा के रखना है कैसे हमें पहले ही पता लगाना है और किस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है पर्टिकुलर वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी लाइव मार्केट ट्रेडिंग बैट्स लाइव मार्केट के अंदर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स को चार्ट्स में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो बाय या सेल बनते हैं लाइव मार्केट के अंदर नहीं बनते हैं तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड होंगी और लाइव मार्केट स्टॉक्स क्वेरीज जो भी आप लोग स्टॉक की क्वेरीज पूछना चाहते हैं आप सब लोगों का आंसर दिया जाएगा अगर आपने कोई स्टॉक इंट्राडे में होल्ड कर रखा है तो भी आप पूछ सकते हैं या अगर आप सोच रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन्वेस्ट करने में तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस रहेगा तो ये आप चीज़ अभी पॉज करके वीडियो को इस पर्टिकुलर आप फ्रेम को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और जैसी ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगी गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है तो ये बारह बजे अपलोड हो जाएगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा तो जैसे ही मेरी वीडियो या कल मार्केट में आएगी यूट्यूब पे आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सारी एजुकेशनल नॉलेज इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप ले पाएंगे और गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्स बिल्कुल फ्री है पहला स्टॉक गाइस बढ़ते हैं अपोलो टायर्स बाय करने की सलाह 87 का सी है 85.5 का स्टॉप लॉस 88.5, 89 के तक 81 91 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार स्ट्राइट फार्मा ही है स्टार का नाम होता है शॉर्ट फॉर्म पे स्ट्राइट फार्मा का 414 414 के ऊपर बाय करना है 412.5 का सीएमपी है 408 का स्टॉप लॉस 418 425 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉनकॉर्ड बाय करने की सलाह दी जाएगी 353 के ऊपर बाय करना है 358 365 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्री फोर्टी फोर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कौन कौन पर जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो पे यानी कि आज की मार्केट पे शॉर्ट की सलाह दी थी टारगेट्स आ गए थे उसके बाद हमने एक बाउंस देखा था तो बाउंस में कुछ क्रिटिकल लेवल्स थे ट्रेंड लाइन्स थी जिसके ऊपर जाके ये क्रॉस ओवर करने में और क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ तो शायद एक बाय बन सकता है बायोकॉन बाय करने की सलाह थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव के ऊपर बाय करना है थ्री फिफ्टी नाइन थ्री सिक्सटी फाइव तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस 348 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा और फार्मा बाय करना है अबव एंड होल्ड यानी कि ट्रिपल सिक्स के ऊपर जब और निकले और कुछ टाइम होल्ड करें कि उसके ऊपर स्टेबल हो रहा है तो बाय करिए 678, 686 तक के टारगेट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गाइज प्रॉबली मुझे लगता भी है कि ये 700 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है तो उसके लिए इसको सिक्स लेवल के ऊपर मिनिमम पंद्रह मिनट तक तो होल्ड करना पड़ेगा सो so गाइज ये पर्टिकुलर था और अगर आप मैं भरता हूँ अपने उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के ऊपर तो ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो है आप देख सकते हैं कि मैंने कल के लिए इसको प्रीमियर कर रखा है सेवन मई के लिए बारह बजे के लिए और अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म का लिंक मिल रही है अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं ये पर्टिकुलर लिंक पर जाके तो यहाँ पर आपको देखेगा कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ओपन होकर आपको दिख जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होता है आपको देख गया टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग लाइव मार्केट ट्रेड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन सेशन होगा इलेवंथ मे मंडे को एट फोर्टी से लेकर टेन फोर्टी तक में ई मेल एड्रेस नेम मोबाइल नंबर सिटी आपको डालना है नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करने के लिए ट्रेंड लाइन एनालिसिस आनी चाहिए यानी कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के ट्रेंड लाइन मा चार्ट में बनाना आना चाहिए फिबोनाची का आपको यूज़ करना आना चाहिए तो गाइस मंडे को ये सेशन स्टार्ट होगा तो अभी चार पाँच दिन है तो आप अभी भी इसको ध्यान से लगा के पर्टिकुलर यूट्यूब पे या गूगल के थ्रू आप ट्रेंड लाइन या फिबोनाची को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं सो तो गाइज ये है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो पे जो मैं अभी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन पे जा उस वीडियो को भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं जो रियल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जो मोटिवेशनली अगर जिन लोगों को नहीं आता वो समझना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गाइज मैं क्वांटिटी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ सौ लोगों दो सौ लोगों के ऊपर नहीं ढूंढ रहा हूँ मुझे अगर पाँच लोग भी दस लोग भी बहुत अच्छे मिल जाएं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं और सिर्फ अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो गाइज लाइव मार्केट में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये फॉर्म तो वो लोग ही फिल करें जो लोग भी फालतू लोगों के लिए आ रहा होगा जो भी फालतू में मज़े लेने के लिए आ रहा होगा गाइज उसे वहीं पर ही हटा दिया जाएगा और उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो गाइस अब मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस समझा दिया है तो अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं गाइस वीडियो पॉज करिए अभी और ये ट्रेंड लाइन अपने आप निफ्टी पे बना लीजिए अर्ली चार्ट ओपन है तो ये ट्रेंड लाइन है पहली ट्रेंड लाइन और दूसरी ट्रेंड ट्रेंडलाइन है ये बना के रख लीजिए अब तो आप देख सकते हैं जब तक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये काम कर रहा है अपर रेजिस्टेंस और लोअर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है तब तक ट्रेड नहीं लेना वरना या फिर आप कर सकते हैं कि अपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पे आया शॉर्ट करिए एक रिस्क लेके टारगेट ये होगा यहाँ पर आया तो बाय करिए एक टारगेट ये हो सकता है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये बात कि ये जो पर्टिकुलर जो इतनी बड़ी गिरावट आई थी लाइन को उसने ब्रेक करा था जब तक इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर यानी कि जो ये लाइन है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक सेकेंड में वेट करिए मैंने आपको कहा था जब तक पर्टिकुलर ये लाइन को ब्रेक नहीं करता ये कैंडल है इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना वही हुआ इसके नीचे तो जाने की कोशिश करी राह पर आखिरी में जाके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो जब तक इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना अर्ली चार्ट के अंदर इसके ऊपर हम एक बाय पोजिशन बना के रख सकते हैं निफ्टी के अंदर अब हम बढ़ते हैं अगर बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं सो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्या एक तरीके का पैटर्न बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए मैं ये पर्टिकुलर आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन एनालिसिस जो मैंने ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन बनाई थी के नीचे गया यहाँ पे अब यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन को तोड़ा यहाँ पे और हमने देखा कि इसके नीचे ये सस्तेन नहीं करा इसके नीचे इसके नीचे यहाँ पर नहीं गया तो अभी भी हमें क्या है अभी भी एक बाय बन सकता है अब आप देखिएगा इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ा और ऊपर गया और आज मार्केट में स्ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने में कामयाब नहीं हो पाया तो यानी कि हो सकता है कि स्टैंड लाइन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यानी कि 19800 के ऊपर 19800 के ऊपर ये रजिस्ट ना जा पाए और वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आ जा जाए 19200 के, तुँँण के आसपास या फिर हो सकता है मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेकर जाता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ ये देख सकते हैं एक अपमूवाई अपमूव आने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये अपमू वाई अपमूव आने के बाद ये एक रेंज में चला गया और रेंज में जाने के बाद अगर इस रेंज को तोड़ देता है तो यानी कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और दूसरी बात ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो अराउंड निकल के आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टू ट्वेंटी थाउजेंड थ्री था। हंड्रेड था। तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं तो बाय आपको कब करना है 1980, के ऊपर आपको बाय करना है और ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के अंदर है निफ्टी के अंदर नहीं है निफ्टी अभी भी वीक है बैंक निफ्टी अभी भी वीक है क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रेंडलाइन के नीचे है तो जब तक ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें बाय की तरफ ट्रेड नहीं लेना है सो so, कल एक्सपायरी है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है मैंने आपको पांच स्टॉक्स पांचों के पांचों बाय में दिए हैं तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है उस चीज़ को और ध्यान लगा के ही ट्रेड करना है जो लेवल्स बाय और सेल के लिए दे रखे हैं उन्हीं लेवल्स के थ्रू ही आपको ट्रेड करना है और ऑर्गाइज मार्केट कल वॉलेटाइल हो सकती है तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि पहले टारगेट आपको मिल जाए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए सो so, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ डिस्क्रिप्शन पे गाइस जरूर दाइजिएगा और वहाँ पर आपको जो लिंक्स मिलेंगे उनको आप ध्यान से फॉलो करिएगा सो so, अगर आप ये जनरली बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है तो आप हमें मेल या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे सो so, इसी के साथ मैं शिवान्त बसीन वीडियो को वाइंड अप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को